हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ रोस्टिंग वीडियो एंड वीडियो नेम इज कैरिमिनाटी वीडियो डिलीटेड टेकन फ्रॉम द चैनल यो साहब जी। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इस पर मेरा रिएक्शन। ये शर्म नहीं आता कि 13 बजे से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। जब झेली नहीं जाती तो लेते क्यों हो? वैसे तो मैं पंगे की बात कर रहा हूँ, बाकी तुम जानो तुम क्या क्या लेते हो। टेरी मिनाती की वीडियो वर्ल्ड की हाईएस्ट लाइक नॉन म्यूजिक वीडियो होने वाली थी, पर इन्होंने मॉस्को वाले भैया अगर सबकी वीडियो में स्ट्राइक देना ही था तो तुम पहले ही अपनी वीडियो में बोल सकते थे कि मेरा रोस्ट मत करो, मेरी फटके चार हो जाती है। पर नहीं, इनको तो अपनी वीडियो में पटेली करनी है, और इतनी पटेली करने के बाद भी क्या किया, हक दिया, स्ट्राइक दे दिया। जब भिड़ना या लड़ना ना आया ना तो सांड क्या के कूदना नहीं चाहिए, सांड पिल देता है जैसे कि पिल गए तुम। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दैट्स योर बॉय एमएस स्पीकिंग लाइव ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? ओ चुप कर जा, मैं मुंह से पब्लिक का बोली मांग रहा हूं। ये जो चूतर साफ करने वाला चूहे तूने गले में पेन रखा है ना, इसको गीला कर करके चटके मारेंगे। एलविश यादव ने एक नॉर्मल सी रोस्ट वीडियो बनाई, जिसके कारण हमारे ये मॉस्को वाले भैया बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए और इन्होंने एक वीडियो बना दी। अब वीडियो बनाने का हक हर किसी का है, कोई भी वीडियो बना सकता है, सही बात है, बना इसमें हम नहीं रोक सकते। पर अगर उस वीडियो में इसने एलविश यादव को रोस्ट किया होता है या रोस्टर्स को रोस्ट किया होता है या फिर कुछ लॉजिक की बातें की होती तो अभी बात होती, पर इसने उस वीडियो में बड़ी बड़ी डींगे मारी है, बड़ी बड़ी फेंकी है और बचकानी बातें की है, जैसे छोटे छोटे बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे बोलते कि मेरे पापा के पास ना इतनी बड़ी बंदूक है, हाँ मेरे घर पे आएगी और दिखाऊंगा तुझे। इसकी वो वाली वीडियो ना कुछ ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा ना फेंक रहा है। इसीलिए मैंने आमिर सिद्दीकी की पहली वीडियो का ना तो रोस्ट किया था ना मैंने कोई ओपिनियन दिया था उसका, क्योंकि मुझे वो वीडियो सीरियसली बहुत ही बचकानी लगी थी। और जब कैरिमिनाती की वीडियो आई थी ना उस समय इसको अपना स्टैंड लेना चाहिए था, ना कि कैरिमिनाती की वीडियो को स्वाइप अप में डालना चाहिए था और ना ही शेयर करना चाहिए था, ठीक है। उस समय तो इसने महान दिखाने के लिए अपने आप को कैरिमिनाती की वीडियो शेयर कर दी और अब स्ट्राइक दे दी। भाई कहां पे चलेगी तुम्हारी महानता? अब जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं आपको बोलने वाला हूँ, ऑडियंस को बोलने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बात तो सच है कि इस ड्रामे के कारण आमिर सिद्दीकी को बहुत ज्यादा हेट मिली, ठीक है। उसके टिकटॉक के फ्रेंड्स भी उसका साथ दे रहे और उसके ऑडियंस भी उसका साथ नहीं दे रही। अब जो लोग ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी बातों को, ऑडियंस उनका साथ ज्यादा अच्छे से देगी, ठीक है। इन ऑडियंस के बीच में कुछ ऑडियंस ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही खराब है। ये जब किसी का रोस्ट वीडियो देखते हैं इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि ये जिनका रोस्ट हुआ है उनके अकाउंट में जाते हैं, उनके इंस्टा में जाते हैं, सही बात है, उनको गालियां देने लग जाते हैं। ये गलत बात है ना, ऐसी चीजें नहीं करनी, जो करते हैं ऐसा लोग रोस्ट करो कमेंट में तो भी चलता है, पर नहीं वो रोस्ट नहीं करते, वहां पे जाके ना मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग, सही बात है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं अपनी वीडियो में अब से नहीं, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी को मां बहन की गालियां मत दो, क्योंकि तुम्हारी भी मां बहन है, ठीक है। और कोई भी इंसान काफी हद तक काफी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, पर माँ बहन की गालियां बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। हम रोस्ट करते हैं, हम किसी को भी रोस्ट नहीं कर देते हैं उठा के, ठीक है। जिनकी वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रिंजी होती है, फनी होती है या बर्दाश्त करने के लायक नहीं होती, कुछ वीडियो सच में ऐसे होती है, मानो चाहे तुम नहीं मानो, हम उनको ही रोस्ट करते हैं, ठीक है। हम किसी को भी उठा के रोस्ट नहीं कर देते, और हम कभी नहीं अपनी वीडियो में बोलते कि उनको जाओ हेट दो, गालियां दो, माँ बहन की गालियां दो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोस्टर ऐसा बोलता होगा, और कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती। अब आप लोगों को ये चीज एज अ ऑडियंस समझनी पड़ेगी कि रोस्ट वीडियो एक फन के लिए होता है, ना कि किसी के अकाउंट में जाके मां बहन की गालियां देने के लिए। ये चीज मैं अपने नॉर्मल वीडियो में अच्छे से नहीं समझा सकता था, तो ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है। आमिर सिद्दीकी अगर मेरी भी ये वीडियो देख रहा है तो भाई किसी का भी पर्सनली तेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं है ब्रो, ठीक है। जो तुम्हारा रोस्ट हो रहा है तो तुम्हारे पास ऑडियंस आ रही है, ठीक है। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उन ऑडियंस को कैसे समझाते हो, ठीक है। तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हो तो तुम्हारे अंदर वो इन्फ्लुएंस करने की पावर होनी चाहिए लोगों को। और जो तुमने सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें से काफी चीजें मुझे ठीक लगी थी, पर वो स्पेलिंग गलत था, ठीक है।
मॉस्को मॉस्को से पढ़े हो अमीर सिद्दीकी? देख भाई, अगर तू ये स्ट्राइक वापस ले सकता है तो ले ले, इससे तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय डेट के, ठीक है? बाकी तुम भी यही हो, हम भी यही है, वो मुजरा करते रहेंगे और हम रोस्ट करते रहेंगे। अब इस टॉपिक पे जो भी होगा वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, तो वहां पे जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं, मिलके चिल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। और कैरी मिनाटी को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पे #justiceforcarry आप रिट्वीट कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से, काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ बनाई। और यूसुफ साहब जी की जितनी वीडियोस होती हैं बड़ी अच्छी और यूनिक और डिफरेंट होती हैं, और बड़े तरीके के साथ ही कोई भी चीज़ की बात करते हैं या रोस्ट करते हैं, जो देख के काफ़ी मज़ा आता है। उसमें मैं रिएक्शन वीडियोज़ ज़रूर बनाता हूँ, मुझे क्योंकि काफ़ी हद तक इनकी वीडियोज़ पसंद आती हैं और समझ में आती हैं और देख के मज़ा आता है। इस वीडियो के अंदर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें काम की, पॉइंट की और पते की, जिसे आप कह लें कि हैं, जो कि वाकई मज़ा आया देख के सुन के। और बस मैं ही कहूँगा कैरी मिनाटी की वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ गई। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो आमिर ने ही दी हो, बनिस्बत यूट्यूब की तरफ से भी वो हो सकती है, या कुछ ना कुछ आप कह लें कि जो कि बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कि पर्सनल अटैक हो रहे हैं। तो मतलब वाकई में किसी के ऊपर इतना नहीं करना चाहिए, मतलब जो है हद से ज़्यादा हो गया था। अगर कैरी मिनाटी टिकटॉकर को रोस्ट कर रहा था, लेकिन टिकटॉकर को रोस्ट करता हुआ नहीं लग रहा था, वो एक ही बंदे के ऊपर पर्सनल अटैक हो रहे थे, उसकी इमेज के ऊपर, उसके करेक्टर के ऊपर, और ना जाने मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी जो कि साफ पता चल रही थी। कोई बच्चा भी देखे तो पहचान जाएगा कि ऐसा लग रहा था कि पर्सनली दुश्मनी निकाली जा रही है साफ साफ लफ्ज़ों में। वरना अगर टिकटॉकर को रोस्ट किया जा रहा था तो बहुत सारे और लोग और तरह तरह की बातें और दूसरे तरीके के साथ भी किया जा सकता था। ओवरऑल मैं इस हवाले से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्राइक आ गई और वीडियो डिलीट हो गई या क्या मसला हुआ है जो कुछ भी, लेकिन वीडियो अब नहीं है वहाँ पर उनके चैनल पर। और बनिस्बत जो है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इस तरह से जैसे कैरी मिनाटी ने किया तो और लोग भी और रोस्ट इसको देखम देखी और कर रहे थे, तो इस तरह से नफरत और फैल रही थी, जबकि जो उनकी दूसरों की तरफ से तो वहाँ से इस तरह की कोई चीज़ वगैरह वीडियोज़ नहीं आ रही थी। एक वीडियो आई थी जो कि डिलीट हो चुकी, दूसरी आई तो उन्होंने उसमें काफ़ी सारे जवाब और एक्सप्लेन वगैरह दिए, बनिस्बत गाली गलोच वगैरह नहीं की। वरना बाकी जो है रोस्टर्स वगैरह जो यूट्यूबर्स जो हैं वो तो गाली गलोच देखे और माँ बहन की बुरी बुरी ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ जो आज तक लोगों ने नहीं सुनी हो, तो उनको देखकर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो वाकई में पता चल रहा है कि कौन किस तरह का है क्या है। तो ओवरऑल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ओवरऑल मज़ा आया इस वीडियो को देख के, बड़े अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने बात की और मतलब अपना पॉइंट वगैरह रखा, जो कि देखे मज़ा आया, मतलब अकलमंदी वाला, समझदारी वाला, नाइस, गुड, ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।